राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार रा विजेतावा ने कर्या सम्मानित। कैच द रेन अभियान 2022 रो कर्या शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया कि प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार री गांव ने अर गरीब ने विश्वास देवा री प्रतिबद्धता। पीएम मध्य प्रदेश माए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रा लाभार्थी रा गृह प्रवेशम कार्यक्रम माए लीनो भाग। भाजपा रा राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लोकसभा माए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियां सु संबंधित उठाया मुद्दा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला की अध्यक्षता में नीट 2022 री विज्ञप्ति जारी करवा और आयोजन रा संबंध में भी बैठक। डॉक्टर कल्ला कया नीट 2022 परीक्षा खातर शीघ्र जारी वैली विज्ञप्ति। और अलवर रा सरिस्का रा जंगला माए लागी आग धारण करो विकराल रूप। एयरफोर्स रा हेलीकॉप्टर सु आग बुझाबा रा प्रयास जारी। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। सा मैं हूं आपरे सागे अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नवी दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार रा विजेतावा ने सम्मानित कर्या। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति कैच द रेन अभियान 2022 रो भी शुभारंभ कर्या। जल शक्ति मंत्रालय राज्य संगठना और व्यक्तिगत स्तर माले 11 न्यारी न्यारी श्रेणिया में 57 पुरस्कार दे रहे है, जिनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत और सर्वश्रेष्ठ नगर निकाय रा पुरस्कार शामिल है। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार री राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश ने पहलो स्थान, राजस्थान ने दूसरो स्थान और तमिलनाडु ने तीसरो स्थान मिलो है। पश्चिमी जोन में राजस्थान रो बांसवाड़ा दूजा स्थान माते रेणा। इन अभियान रो लगस वर्षा रा जल रो संरक्षण करनो है। जल प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्यों को सम्मानित करने का तथा जल अभियान के विस्तार द्वारा अपने दैनिक जीवन में तथा पृथ्वी पर जल के महत्व को रेखांकित करने का यह प्रयास सराहनीय है। यह कहना सर्वथा उपयुक्त है कि जल ही जीवन है। प्रकृति ने मानवता को जल संसाधन का वरदान दिया है। प्रकृति ने हमें विशाल नदियां प्रदान की हैं, जिनके तटों पर महान सभ्यताएं फली फूली। भारतीय संस्कृति में नदियों का विशेष महत्व है और माँ के रूप में उनकी पूजा की जाती है। प्रतिदिन स्नान करने से पहले बहुत से लोग यह पाठ भी करते हैं, जिसमें कहते हैं कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधम कुरु। लोग प्रार्थना करते हैं कि उनके स्नान के जल में इन पवित्र नदियों की जल राशियों के प्रभाव का संगम हो। उत्तराखंड में गंगा और यमुना, मध्य प्रदेश में नर्मदा, बंगाल में गंगा सागर की पूजा अर्चना हेतु नदियों के लिए समर्पित स्थान दुनिया में और कहाँ मिलेंगे। ऐसी धार्मिक प्रथाओं ने प्रकृति से हमारा नाता जोड़े रखा। जलाशयों और कुओं का निर्माण करना परम पुण्य कार्य माना जाता था। भाग्य से आधुनिकता और औद्योगिक अर्थव्यवस्था के आगमन के बाद हम प्रकृति के साथ उस तरह के जुड़ाव से वंचित हो गए। जनसंख्या वृद्धि भी इसका एक कारण है। हम स्वयं को उस माता तुल्य प्रकृति से कटा हुआ महसूस करते हैं, जिसने वस्तुतः हमें पाला पोसा है। हम यमुना नदी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और प्रार्थना करने के लिए यमुनोत्री की कठिन यात्रा तो करते हैं, लेकिन जब हम राजधानी दिल्ली लौटते हैं तो देखते हैं कि वही नदी अत्यंत प्रदूषित हो गई है और हम अब हमारे नगर के जीवन के लिए उपयोगी नहीं रह गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल सरकारी अभियान ना है बल्कि गांव ने अर गरीब ने विश्वास देवारी प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण लगभग 5,21,000 लाभार्थी गृह प्रवेशम कार्यक्रम में हिस्सों लेना। आज मध्य प्रदेश के लगभग 5,25,000 गरीब परिवारों को उनके सपनों का पक्का घर मिल रहा है। कुछ ही दिन में नववर्ष विक्रम संवत 2079 शुरू होने जा रहा है। नववर्ष पर नए घर में गृह प्रवेश ये अपने आप में ये जीवन की अनमोल वेला है। मैं इस समय आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे देश में कुछ दलों ने गरीबी दूर करने के लिए नारे बहुत लगाए, लेकिन गरीबों को सशक्त करने के लिए जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और ये मेरा विश्वास है कि एक बार जब गरीब सशक्त होता है तो उसमें गरीबी से लड़ने का हौसला आता है। एक ईमानदार सरकार के प्रयास, एक सशक्त गरीब के प्रयास जब साथ मिलते हैं तो गरीबी भी परास्त होती है। भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ लोकसभा में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से जुड़ा मुद्दा उठाया। वना राजस्थान में बरस 2020 से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की कुल तादाद सरकार की काणी से ईडब्ल्यूआर खातर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवा राजस्थान में एड़ा कार्यक्रमों की संख्या से जुड़ा सवाल पूछा। कर्नल रिकानी से पूछा गया सवालों को पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जवाब देता व्या कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की तादाद राजस्थान में 64,802 है। राज्यपाल कलराज मिश्र राजस्थान दिवस माले प्रदेशवासियों ने शुभकामनाएं दी है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी राजस्थान दिवस माते प्रदेशवासियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। डॉ जोशी कहा कि आपा सगड़ा ने मिलर जुलर राजस्थान ने आगे बढ़ावा माए सक्रिय भागीदारी निभानी है। भारत सरकार द्वारा गठित राव समिति की सिफारिशों के आधार पर बाद में 7 सितंबर 1949 को जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। 7 चरणों में पूरी हुई राजस्थान निर्माण प्रक्रिया में प्रत्येक चरण के साथ ही राजस्थान और अधिक समृद्ध और संगठित होता रहा। राजस्थान में आज मरुस्थल ही नहीं है, नीले जल से तरंगित विशाल झीलें तो कहीं आसमान को छूते उत्तमगिरी शिखर भी यहाँ है। पथरीली पठार है तो हर सोना उगलते उपजाऊ मैदान भी यहाँ है। यहाँ के भव्य किले और महल, कलात्मक हवादार हवेलियां, शिल्प और स्थापत्य से समृद्ध और सदियों पुराने प्राचीन मंदिर वास्तु एवं स्थापत्य के जीवंत कोष है। राजस्थान का स्थापना दिवस मात्र एक दिवस नहीं है, इसे गहरे मायने हैं। यह दिवस सद्भाव की हमारी संस्कृति को सहेजने का है।
संकल्पित होकर प्रदेश के विकास में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने का है। आइए हम सभी मिलकर प्रयास करें कि राजस्थान आगे बढ़े, बढ़ता ही रहे। राजस्थान स्थापना दिवस पर पुनः शुभकामनाएं। राजस्थान दिवस के मौके 30 मार्च ने जयपुर रा अल्बर्ट हॉल में मुख्य कार्यक्रम आयोजित करो जावेलो। पर्यटन विभाग का निदेशक निशांत जैन दूरदर्शन सु खास बातचीत में बताया कि कार्यक्रम में 500 सु ज्यादा कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देवेला। राजस्थान दिवस है, इस अवसर पर पर्यटन विभाग की तरफ से विशेष तैयारियां की जा रही है। कोविड काल के बाद 2 साल बाद बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पर्यटन विभाग के निदेशक निशांत जैन साहब। अजैन साहब, 2 साल बाद यह कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं? धन्यवाद। अभी जैसा कि आपने खुद ही कहा कि क्योंकि 2 साल से कोविड के कारण ये जो एक बहुत मशहूर आयोजन है और पर्यटन विभाग का सबसे बड़ा आयोजन ये होता है राजस्थान दिवस का। इस दिन राजस्थान उत्सव, राजस्थान फेस्टिवल के रूप में इसको मनाते हैं, जिसमें पूरे स्टेट की जो ये रंग बिरंगी संस्कृति है, इसकी जो विरासत है, लोक कलाएँ हैं, लोक नृत्य हैं, इन सब का बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो इस बार भी बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं और 30 मार्च को पूरे, सबसे पहले तो पूरे स्टेट में, मैं आपको बता दूं कि पूरे स्टेट में हर ज़िले में पर्यटन स्थल जो मोन्यूमेंट्स हैं स्टेट के, उन पे प्रवेश जो है छात्र छात्राओं का निःशुल्क रहेगा और उन पे सब पे जो लोक कलाकार उनकी प्रस्तुतियाँ होंगी और ज़िले में भी एक जिला स्तरीय समारोह होगा। और राज्य में जो बड़ा समारोह हो रहा है वो जयपुर में अल्बर्ट हॉल पर हो रहा है 30 मार्च को शाम को 7 बजे से। उसमें करीब 1.5-2 घंटे का वो समारोह रंगारंग संध्या है, उसमें 550 लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। बहुत ग्रैंड इवनिंग होने जा रही है और सारी लोक कलाएं, सारे लोक नृत्य उसमें शामिल होंगे। उसके अलावा पद्मश्री अनवर खान, जिनको अभी हाल ही में पद्मश्री मिला है, जो गायक हैं लंगा मंगनियार, वो उसमें रहेंगे। नाथूलाल सोलंकी जी का नगाड़ा वादन रहेगा जो पुष्कर के हैं, और रूप कुमार राठौड़ जी, सोनाली राठौड़ जी जो गज़ल गायक हैं, उनकी प्रस्तुति भी रहेगी, राजस्थान के ही हैं। इस प्रकार से पूरा आयोजन रहेगा। इसके अलावा सर, किस तरह की आम लोगों को जोड़ने के लिए, पर्यटकों को जोड़ने के लिए और किस तरह की तैयारियां इस कार्यक्रम में की जा रही है? वैसे हमारी कोशिश है कि एक भव्य तरीके से ये कार्यक्रम का आयोजन हो, क्योंकि अल्बर्ट हॉल का जो पृष्ठभूमि बैकड्रॉप है वो बहुत सुंदर और बहुत भव्य लगता है और हजारों लोग वहाँ बैठ करके प्रस्तुति देखते हैं और राजस्थान का जो ये उत्सव है, राजस्थान दिवस, इसको धूमधाम से मनाते हैं। मैं भी सबको शुभकामनाएं देता हूँ और सोचता हूँ कि सब लोगों को मिलकर इसको मनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। 2 साल बाद कोविड के बाद ये कार्यक्रम का, राजस्थान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो उम्मीद की जाना चाहिए इस कार्यक्रम के बाद राजस्थान में पर्यटन को एक नई दिशा मिलेगी, लोग आएंगे और राजस्थान को देखेंगे। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। चलो ठेले से थोड़ी सी पिसाई बे गए पच्छा वाला। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अभिषेक पछे एक बार फिर सु आपनो कणोगणो स्वागत। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्लारी अध्यक्षता में काल सचिवालय में रीट 2022 की विज्ञप्ति जारी करवा और आयोजन बाबत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इन भगत डॉक्टर कल्ला कया के महकमारी काणी सु रीट 2022 परीक्षा खातर विज्ञप्ति बेगी ही जारी कर दी जावेली। जोधपुर रा टाउन हॉल माए संगीत नाट्य अकादमी की कहानी सू पहली बारी नाट्य उत्सव रो 5 दिना ताने आयोजन करो गयो। इन नाट्य उत्सव माए देश भर रा न्यारा न्यारा प्रसिद्ध नाटकारो मंचन करो गयो, जिन माए देश भर सू रंगमंच रा कलाकार या नाटकारी प्रस्तुति तीनी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रथम जोधपुर राष्ट्रीय नाट्योत्सव का आयोजन यहाँ पर जोधपुर में किया जा रहा है। 5 दिन तक
देश के विभिन्न हिस्सों से जो देश की बेहतरीन प्रस्तुतियां हैं उनको ये आमंत्रित किया गया और जोधपुर के दर्शकों को एक अच्छे नाटक देखने का मौका दिया गया। मैं सोचता हूँ कि जोधपुर में दर्शक हमेशा अच्छे नाटकों का इंतजार करते हैं और दिल्ली हमारे प्रयागराज से जयपुर से जोधपुर से विभिन्न जगहों से नाटक जो आए हैं उनसे जहाँ एक और कोरोना के बाद लोगों में एक आनंद की अनुभूति करने का भी अवसर मिला और नाटक के जो लोग लंबे समय से नाटक नहीं कर पा रहे थे उन्हें नाटक करने का अवसर भी मिला। बहुत ही शानदार नाटकों का राष्ट्रीय नाट्योत्सव के अंतर्गत मंचन हुआ और ये हमने पहली बार राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ने राष्ट्रीय नाट्योत्सव का आयोजन जोधपुर में किया है। ये परंपरा शुरू की है, हम इसे आगे भी जारी रखेंगे। नई दर्शकों में भारी उत्साह है और 500 की जो कैपेसिटी थी हमारे जो चारों दिन ही फुल रही। नाटक बुजुर्गों के ऊपर था कि एक वक्त के बाद बच्चे जो हैं वो अपने काम काज में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनके लिए अपने पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं होता और बेसिकली बच्चे जो हैं वो तो चलो अपने दोस्तों के साथ सबसे ज़्यादा घुल मिल जाते हैं लेकिन एक बुज़ुर्ग इंसान को भी ज़रूरत होती है अपने ही हम उम्र की जिससे वो अपने जैसी बातें कर सके अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। नाटक कंपेनियनशिप के ऊपर है, चाहे वो किसी भी उम्र में व्यक्ति क्यों ना हो और कंपेनियनशिप बेसिकली इसमें तो ह्यूमन रिलेशंस की बात है। इवन लोग जो हैं कई बार पेट पालते हैं तो बेसिकली वो कंपेनियनशिप की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं और इसको हमने कॉमेडी के ज़रिए दिखाने की कोशिश की है। जोधपुर रा पैरा ओलंपिक तैराक पिंटू गहलोत रो एशियन पैरा गेम्स माय चयन वे गयो है। पिंटू उदयपुर में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप रा S6 वर्ग में शानदार प्रदर्शन करता हुआ रजत पदक हासिल कर दूसरो स्थान हासिल करया है। इनके साथ ही एशियन पैरा गेम्स माय चयन हो बारे पछे अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रा कैंप माय प्रशिक्षण लेवेला इस तरह पैरा स्विमिंग नेशनल चैंपियनशिप 23 से 27 मार्च को हुई, उसमें मेरा 200 मीटर IM में सिल्वर मेडल लगा और ऑल इंडिया S6 कैटेगरी में सेकंड पोजीशन लगी। और मैं कहने का मतलब अभी मार्च में ही मैं ईरान में खेल के आया था एशियन प्रेसिडेंट कप और अभी मेन जो एशियन गेम्स होने वाला है चाइना में उसमें मेरा साई में सिलेक्शन हो गया है कैंप में और अभी मैं मई में इंग्लैंड में यूरोपियन प्रेसिडेंट कप में इंग्लैंड जाने वाला हूँ। बहुत ही हर्ष की बात है कि एक व्यक्ति सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति इतनी सारी परेशानियों को झेलते हुए चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो शारीरिक हो और जब ये दोनों परेशानियां होती है तो मानसिक परेशानी भी होती है, इन सब के बावजूद जो इन्होंने संघर्ष करके आज अपने समाज का देश का प्रदेश का जो ये देश और विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं हम इससे बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जयपुर जिला माए 80 रा लोगा खातर वरदान साबित वेरी है। मोहनपुरा गांव रा गरीब तबका रा लोग जो मकान बनावा माए असमर्थ है वे लोग बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना री बदौलत आज वे आपड़ी छत्र नीचे परिवार सहती रह रिया है। लाभार्थी बताया कि इन योजना के तहत 3 किस्ता माए पीसा सीधा खाता माए आवे है। लाभार्थी आवास प्रदान करवा खातर प्रधानमंत्री रो आभार जताया है। माह में और मुझे प्रधानमंत्री योजना की तरफ से 3 किश्तों में पैसे मिले हैं जिससे हमें बहुत अच्छी है ना रहने की सुविधा हुई है। पहले बच्चों के साथ रहने में परेशानी होती थी, अब प्रधानमंत्री की तरफ से जो पैसे मिले गए हैं और इसके तहत जो मैंने मकान बनाया है आज ना मुझे दिक्कत है ना मेरे बच्चों को दिक्कत है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। हमें प्रधानमंत्री आवास योजना से जो पैसा मिला है उसे हमने मकान बना लिया है और वो पैसा सीधा खाते में आ गया है। पहले हम कच्चे घरों में रहते थे तो बरसात के अंदर खाना बनाने में पानी से बहुत दिक्कतें आती थी, खाना भी सही से नहीं बना पाते थे और पानी पानी चारों तरफ कच्चे घरों में पानी आ जाता था और अब पक्का बनने के बाद हमें काफ़ी सुविधा हो गई है और हम अच्छे से रह रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरे को ऑनलाइन पेमेंट 1,20,000 का हुआ है, डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट हुआ है जिससे कुछ पैसे हमने मिलाकर हमारे रहने के लिए मकान मिल गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर हमारे को रहने के लिए अच्छा सा आवास मिल गया है। ये एक प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी योजना थी जिससे हमारी गरीबों की जो परेशानी है वो सॉल्व होती है, ये बहुत अच्छी योजना थी इसके अंदर।
प्रदेश भर में चलाया जा रहा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कल बीकानेर और चूरू जिला रा सरदार शहर में खाद्य सुरक्षा दल कार्रवाई की। इन भगत बीकानेर में एक दुकान से 45 किलो दूषित मिठाइयां नष्ट करवाई की, बटे चूरू रा सरदार शहर में 2 फर्मा से मसाला और खाद्य तेला रा नमूना लिया गया। बटे बुनकर सेवा केंद्र जयपुर में आज आजादी रा अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान दिवस रा उपलक्ष्य में आयोजित होबाड़ा कार्यक्रम की जानकारी खातर एक प्रेस वार्ता रो आयोजन करो गयो। बुनकर सेवा केंद्र जयपुर रा उपनिदेशक तपन शर्मा बताया कि राजस्थान की संस्कृति और परंपरा ने किन तरह हैंडलूम से जोड़ो जावे खातर प्रयास कराया जा रहा है। बुनकर सेवा केंद्र द्वारा एक नया प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिस तरीके से जो है राजस्थान कल्चर एंड ट्रेडिशन को किस तरीके से हैंडलूम से जोड़ा जाए, इसी माध्यम में भारत सरकार द्वारा 16 जगह समत के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करे हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, उसमें काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और बुनकर सेवा केंद्र के माध्यम से इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। हम जो एक नव सृष्टि नाम से जो है एक नया फैशन स्टेटमेंट करना चाह रहे हैं, कैसे फैशन को रिप्लेस करके नव सृष्टि नाम दिया जाए। नव सृष्टि से तात्पर्य यह है इसके 3 स्तंभ होंगे, एक हैंड स्पन यान, नेचुरल डाइंग और हैंड वुवन। इन 3 स्तंभ पर ही जो आगे के जो फैशन को हो गया स्थापित किया जाए और भारतीय कला और संस्कृति से इसको जोड़ा जाए। तो हमारा जो कल इवेंट होगा नव सृष्टि पर आधारित होगा, हैंड स्पन, नेचुरल डाइंग और हैंड वुवन यान से बने हुए फैब्रिक जो है हमने इंस्टीट्यूट को दिए हैं, उनके बच्चे जो है कल फैशन शो के माध्यम से इनको प्रमोट करेंगे। CSIR सीरी की कहानी सुबह जयपुर माय डेयरी और फूड तकनीकी माय डिजिटल रिवोल्यूशन विषय में एक कार्यशाला और आयोजन करो गयो। कार्यशाला माय CSIR सीरी जयपुर निदेशक डॉक्टर PC पंचारिया बताया कि इन कार्यशाला रो उद्देश्य इन टेक्नोलॉजी ने उद्योग जगत से रूबरू कराणो है, जिनसु इनरो लाभ अंतिम उपभोक्ता ताई पुगे। हमारा CSIR सीरी का जो जयपुर केंद्र है, उस केंद्र में हमने डिजिटल रिवोल्यूशन इन फूड एंड डेयरी इंडस्ट्रीज के लिए जो हमने आज वर्कशॉप का आयोजन किया है, उसका उद्देश्य यह है कि CSIR की जितनी भी टेक्नोलॉजी है जो फूड और डेयरी में हमारे विभिन्न संस्थान बना रहे हैं, उनको जो इंडस्ट्री है इंडस्ट्री को अवेयर करना, और उस अवेयरनेस के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी हमारे मासेज के पास पहुंचना चाहिए, जो एंड यूजर है उसके पास पहुंचना चाहिए कि हमारे जो पास टेक्नोलॉजी है फूड और डेयरी में, उनको हमने प्रदर्शित किया है हमारे इंडस्ट्री के लोगों के लिए, लघु उद्योग भारती को। अलवर रा सरिस्का रा जंगल माए लागी आग विकराल रूप धारण कर लियो है। जिला प्रशासन आग बुझावा खातर एयरफोर्स सू 2 हेलीकॉप्टर मंगाया। वन क्षेत्र में आग की सूचना रविवार ने सरिस्का प्रशासन ने मिली है। आग मध्य रविवार शाम तक काफी हद तक काबू कर लियो गयो हो, लेकिन काल तेज भाड़ चालबा सू आग विकराल रूप धारण कर लियो। जयपुर बात करी है आपदा प्रबंधन के अंदर और उनको अवगत कराया कि वर्तमान में सरिस्का में जो आग जो फैली हुई है उस पर केवल जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे में उन्होंने हमारी मांग को मानते हुए और परिस्थितियों को जो समझते हुए उन्होंने दिल्ली में जो एयरफोर्स जो है एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ से बात करते हुए और 2 चॉपर्स उन्होंने मंगवाए हैं और उनकी फिलिंग के लिए भी जो है यहाँ पर जो है एयरफोर्स का इंडियन ऑयल से जो है फिलर भी आया हुआ है ताकि किसी प्रकार के जो है अरेंजमेंट्स में कोई कमी ना आए। उत्तर भारत रा प्रमुख शक्तिपीठ स्थल करौली रा कैला देवी मंदिर में चैत्र नवरात्र लक्खी मेलो शुरू हो गयो है। यो मेलो 29 मार्च से 14 अप्रैल तक चले लो। एक पखवाड़ा ताई चाल वाला इन मेला में देश रा न्यारा न्यारा राज्य से 30 लाख से 32 श्रद्धालु पूग बारी संभावना है। इन बारी यो मेलो 2 वर्ष रा अंतराल रे पछ आयोजित करो जा रहे हो है। मेला में आबाला श्रद्धालु व खातर मंदिर ट्रस्ट ग्राम पंचायत और पुलिस प्रशासन निकाणी सुचारू व्यवस्था करी गई है। इन बार माता रा दर्शन रो टेम भी बढ़ा दियो गयो है। 2 अप्रैल से जो आधिकारिक रूप से मेला आरंभ हो रहा है उसकी तैयारियां 5 दिन पूर्व भी पुलिस प्रशासन द्वारा एवं अन्य विभागों द्वारा कर ली गई हैं। प्रशासन द्वारा
जो रोड है, ट्रैफिक व्यवस्था वो सुचारू बनी रह सके, इसके लिए पूर्व इंतजाम कर लिए। सुरक्षा के भी छप्पे छप्पर पर अलग अलग नाकों पर पुलिस तैनात है और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने के लिए गोताखोर लगाए हुए हैं अपने घाटों पे। यहाँ जो पांचना नदी पे नहाते हैं वहाँ भी गोताखोरों की व्यवस्था है, रात में पूरी लाइट की व्यवस्था रहेगी, कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी असुविधा उत्पन्न नहीं होनी। भीड़ तो वैसे इस बार हफ्ते पहले ही शुरू हो गई है, लेकिन जो मेला है ऑन पेपर 29 मार्च से और 14 अप्रैल तक चलेगा और इस बार अच्छी भीड़ रहने की संभावना है। उसी हिसाब से तैयारियां भी की हुई हैं और हम मंदिर ट्रस्ट सभी की शुभकामना करता है, सबको माता जी अपना सुख शांति दें और सबकी मन्नतें पूरी करें और यह भेड़ा मेला 14 अप्रैल तक इसी तरह चलता रहे। मैं माता की रानी के चरणों में हर बार आता हूँ, हर साल आता हूँ नवरात्रि में और मेरी मतलब काफ़ी श्रद्धा है, यहाँ पूरी फैमिली के साथ आया हूँ मैं और मुझे मतलब यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। मैं माता के दर्शन को करीब 15 साल से आ रहा हूँ और माता के दरबार में जो भी अभी तक मनोती मानी गई हैं वो सारी पूरी होती हैं। सच्चा दरबार है कैला मैया का, यहाँ जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा लेके आता है उसकी मनोती अवश्य पूरी होती है। प्रदेश में तेज गर्मी से जनजीवन प्रभावित होबा लाग गया है। ज्यादातर ठोरा माते पारो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पूग गयो है। मौसम महकमा ने मुजब अगला 3 दिन ताणी तापमान माए खास परिवर्तन नहीं होबा सु राज्य रा कुछ एक भागा माए लू चालबारी संभावना जताएगी है। इनके साथ ही 1 और 2 अप्रैल ने हवा माए परिवर्तन होबा सु तापमान माए हल्की गिरावट वह सके है। और आए हुए फिर से जोवा मोटी खबर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार रा विजेतावा ने कर सम्मानित। कैच दी रेन अभियान 2022 तो कर शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया के प्रधानमंत्री आवास योजना सरकारी गांव ने अर गरीब ने विश्वास देवारी है प्रतिबद्धता। पीएम मध्य प्रदेश माए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रा लाभार्थिया रा गृह प्रवेशम कार्यक्रम माए लीना भाग। भाजपा रा राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लोकसभा माए निर्वाचित महिला प्रतिनिधिया से संबंधित उठाया मुद्दा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्याण की अध्यक्षता माए रीट 2022 से विज्ञप्ति जारी करवार आयोजन रा संबंध माए वी बैठक। डॉक्टर कल्ला कया रीट 2022 परीक्षा खातर शीघ्र जारी वैली विज्ञप्ति। और अलवर रा सरिस्का रा जंगला माए लागी आग धारण करो विकराल रूप। एयरफोर्स रा हेलीकॉप्टर सु आग बुझावा रा प्रयास जारी। चलो इन बुलेटिन में आज रुच नमस्कार।